to study about the polymeric structure and the factors which actually take part in constructing a polymeric structure, because most of the polymeric properties such as thermodynamic properties, mechanical, optical and structural are mainly due to the change in some polymeric structure. तो पॉलीमर का जो स्ट्रक्चर होता है इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि यही पॉलीमेरिक एक स्ट्रक्चर ही होता है इसका, जो कि इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज में रोल प्ले करता है. अब होता क्या है कि अब हमने ये देखना है कि पॉलीमर का जो स्ट्रक्चर है वो किन किन पैरामीटर्स से, किन किन वजूहात की बेस पे चेंज हो जाता है, और उसके चेंज होने से प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती हैं या नहीं होती. अब प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी चेंज होती हैं, कैसे होती हैं, उनका क्या मैकेनिज्म है, ये तो हम बाद में पढ़ेंगे. पहले हम ये पढ़ेंगे कि वो कौन से पैरामीटर्स हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि पॉलीमर स्ट्रक्चर में अहमियत रखते हैं. अब होता ये है कि व्हेन एवर वी आर गोइंग टू सिंथेसाइज पॉलीमर, और आई विल से डिज़ायर पॉलीमर, if I am saying the desired polymer, it means the researcher must has some concept of the polymer which he or she is going to prepare, its purpose, its benefits, and the main important thing is the application of that polymer which you are going to synthesize. अब ये देखना है उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, आप कौन सी प्रॉपर्टीज एक्चुअली गेन करना चाह रहे हैं, उससे हासिल करना चाह रहे हैं, तो उसका कौन सा स्ट्रक्चर होना चाहिए. उस स्ट्रक्चर को जेहन में रखते हुए यू हैव टू सेलेक्ट मोनोमर्स, देयर सीक्वेंस, देयर कंपोजिशन एंड देयर सम स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व ओवर हेयर. व्हाइल वी आर डीलिंग विद द पॉलीमर स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थिंक अबाउट इट्स कंपोजिशन. ओके, देन वी विल गो फॉर इट्स टैक्टिसिटी, मीन के स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होने से स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो जाता है. क्या अगर हम स्ट्रक्चर चेंज ना करें, सिर्फ स्टीरियोकेमिस्ट्री कंपोजिशन चेंज ना करें, सिर्फ स्टीरियोकेमिस्ट्री से खेलें, तो क्या उससे प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, नहीं होती, ये चीज़ें हम देखेंगे. एंड देन द सीक्वेंस ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स, कि सीक्वेंस जो है रिपीटिंग यूनिट्स का वो कैसा होना चाहिए, कि अगर आप इलास्टोमेरिक मटेरियल बनाना चाह रहे हैं तो कौन सी कंपोजिशन होनी चाहिए, कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए, और कौन सी उसका टैक्टिसिटी मीन स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होनी चाहिए, और वो रिपीटिंग यूनिट्स का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है ये हम देखेंगे. तो पॉलीमर स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करने में जो सबसे मेन चीज़ है वो है कंपोजिशन. क्या है जी? कंपोजिशन ऑफ द पॉलीमर. ओके, कंपोजिशन ऑफ द पॉलीमर. व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट, वी गोइंग टू टॉक अबाउट द कंपोजिशन ऑफ पॉलीमर, इट मींस द मोनोमर. ओके, व्हिच टाइप ऑफ मोनोमर्स यू वांट टू यूज. एक्चुअली सपोज इफ वी हैव पॉलीप्रोपाइलीन. ओके, पॉलीप्रोपाइलीन, अगर मैं इसको लिखूं कि ये पॉलीप्रोपाइलीन का ये स्ट्रक्चर बनता है. ओके, पॉलीप्रोपाइलीन. अगर मैं लिखूं पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो वो आपके पास यू हैव दिस सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर. इफ आई हैव पॉलीस्टाइरीन, देन यू हैव दिस सॉर्ट ऑफ. ओके, यू कैन सी हियर वी हैव इन ऑल दीज थ्री डिफरेंट पॉलीमर्स वी हैव डिफरेंट कंपोजिशंस. ओके, बाय चेंजिंग द कंपोजिशन देयर आर सम चेंजेस इन द स्ट्रक्चर एज वेल. एक्चुअली दिस इज योर रिपीटिंग यूनिट ऑफ दिस पॉलीप्रोपाइलीन, दिस इज द रिपीटिंग यूनिट ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड, एंड पॉलीस्टाइरीन हैज दिस सॉर्ट ऑफ रिपीटिंग यूनिट. ओके, तो रिपीटिंग यूनिट से, रिपीटिंग यूनिट मीन कि आपने इसका मोनोमर कौन सा यूज किया है. अब इन तीनों के मोनोमर्स जो है वो डिफरेंट है,
तो उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, उनकी कंपोजिशन भी डिफरेंट है। कंपोजिशन के चेंज होने से स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं। तो अब क्या है कि आपका विनाइल ही है, सपोज कि यूं अगर मैं इसको लिखूं सी डबल बॉन्ड सी, ये मैं आर वन लिखता हूँ, ये आर टू लिखता हूँ, ये आर थ्री लिख रहा हूँ और ये आर फोर लिख रहा हूँ, मीन कि इसके जो यहाँ पे सब चीजें हैं, ये मॉनोमर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आर थ्री और आर फोर, मैं कहता हूँ कि आर थ्री इज इक्वल टू आर फोर इज इक्वल टू एज, ओके, मैं कहता हूँ कि आर थ्री भी एज है, आर फोर भी एज है एंड आर वन इज आल्सो इक्वल टू एज, मीन कि वो भी मैं हाइड्रोजन लिख रहा हूँ, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन। अब आर टू मैं चेंज करता हूँ, समटाइम मैंने आर थ्री आर टू मिथाइल लगा दिया, कुछ जगहों पे मैंने ये क्लोराइड लगा दिया, इन फ्यू केसेस वी हैव दिस पार्ट, कभी मैं इसको इमोन लगा देता हूँ, ठीक है। इनकी ये पार्ट चेंज करने से या कोई भी पार्ट चेंज करने से कंपोजिशन भी वेरी कर जाती है, और जब कंपोजिशन वेरी होती है तो स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है, और जब स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। तो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर डिवेलप करने में मोनोमर की कंपोजिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो ये आपको यहाँ से पता चल जाता है, ओके। द सेकेंड पार्ट इज द सीक्वेंस ऑफ रिपीटिंग यूनिट, ओके। फर्स्ट वन इज द कंपोजिशन, नाउ द सेकेंड पार्ट इज सीक्वेंस ऑफ रिपीटिंग यूनिट। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि रिपीटिंग यूनिट क्या होता है। रिपीटिंग यूनिट क्या है कि आप देखते हैं कि सपोज मैं ये बना रहा हूं सी एच टू सी एच सी एच, ये क्या है हमारे पास विनाइल क्लोराइड, इससे मैं जाता हूँ इसमें सी एच टू सी एच सी एल और यहाँ पहुँच गया। तो ये जो पार्ट है ये दिस इज द रिपीटिंग यूनिट। ओके, अगर मैं इसको जरा ओपन करके लिखूं तो हो सकता है मैं इसको यू भी लिख लूं, ओके। ये जो स्ट्रक्चर है ये रिपीट हो रहा है, हियर हियर, तो ये आपका रिपीटिंग यूनिट है। अब रिपीटिंग यूनिट के सीक्वेंस को चेंज करने से, सीक्वेंस ऑफ रिपीटिंग यूनिट, रिपीटिंग यूनिट के सीक्वेंस को चेंज करने से पॉलीमर का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ठीक है। रिपीटिंग यूनिट के सीक्वेंस को चेंज करने से पॉलीमर का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो इसके भी पॉलीमर स्ट्रक्चर के डेवलप करने में रिपीटिंग यूनिट का सीक्वेंस का भी बहुत रोल है। अब रिपीटिंग यूनिट का जो सीक्वेंस है वो बनता कैसे है, अब अगर तो वो एक ही रिपीटिंग एक ही मोनोमर से आपने पॉलीमर बनाया हुआ है तो फिर तो कोई इशू नहीं होता, वो सारे एक ही रिपीटिंग यूनिट में आते हैं, मगर फिर भी उनका स्ट्रक्चर में भी इफेक्ट हो सकता है। सम टाइम वो लीनियर चेन बन जाता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन यू आर गोइंग टू अप्लाई और मेथड विद यू आर गोइंग टू यूज उसकी बेस पे, या फिर सम टाइम वो ब्रांच स्ट्रक्चर बन जाता है, क्रॉस लिंक्ड भी बन जाता है, 3D नेटवर्क भी बन जाता है, ठीक है। मगर अगर तो आपके पास टू डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट टू डिफरेंट मोनोमर्स हैं, ठीक है, तो उनको आप कनेक्ट करवा के कोई पॉलीमर बनाते हैं, तो फिर आप हो सकता है कि उन मोनोमर्स के जो फर्दर रिपीटिंग यूनिट्स बने हैं उनका सीक्वेंस चेंज हो जाए, वो सीक्वेंस की डिफरेंट पॉइंट्स टाइप्स हो सकती हैं, ठीक है। अब सपोज हमारे पास एक है जी मोनोमर ए और दूसरा है जी मोनोमर बी, ओके मोनोमर। अब ये जब पॉलीमराइज होते हैं
जो ए का रिपीटिंग यूनिट है उसको मैं ए कह देता हूँ, और जो बी मोनोमर से रिपीटिंग यूनिट आ रहा है उसको मैं बी कह देता हूँ। ठीक है, तो हो सकता है कि ये ए बी, ए बी, ए बी कुछ इस तरह से ये अरेंज हो, ये भी चांस है कि ये कुछ इस तरह से हो, ये भी चांस है कि ये कुछ इस तरह से अरेंज हो जाए, ओके, ये भी चांस है कि ये कुछ इस तरह से हो जाए, depends upon the relative reactivity of the monomers and the experimental conditions, means synthetic condition, उस पर depend करता है। अगर तो ये कुछ इस तरह से आया, means ये A है, फिर B आया, फिर A आया, फिर B आया, फिर A आया, तो इस condition को, इस sequence को हम कहते हैं alternating sequence है, okay? अगर इस तरह से आए तो मीन फर्स्ट क्या है, ए देन ए फॉलो बाय बी देन ए देन बी देन बी, फिर हमारे पास ए आ गया, मीन कि यहाँ पे कोई सीक्वेंस है नहीं है, तो इसको हम कहते हैं रैंडम, ओके, ये रैंडम अरेंजमेंट हो गया। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये ए एक साइड पे है और बी दूसरी साइड पे है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ब्लॉक, ब्लॉक ए ब्लॉक बी ब्लॉक, ठीक है। तो अब चूंकि ये जब भी हमारे पास एक से ज़्यादा रिपीटिंग यूनिट मोनोमर्स हो, फिर रिपीटिंग यूनिट्स भी ग्रेटर बन जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कोपोलर, ठीक है, और अगर उसमें थ्री मोनोमर्स यूज हो रहे हों तो उसको ट्राई पॉलीमर भी कहा जाता है, टेर पॉलीमर भी कहा जाता है, क्यों, फिर उसी तरह अब इसके ये ब्लॉक है, इसके ये ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक कोपोलीमर बन जाता है। जब ये वाली कंडीशन होती है कि जिसमें ए की भी ब्लॉक पूरे का पूरा ए में है रिपीटिंग यूनिट और बी वाले ब्रांच में आ रहे हैं, उसको हम कहते हैं ग्राफ, ओके। तो ये एक आपके पास ब्लॉक बन गया, एक दूसरा ब्लॉक बन गया, अब टू डिफरेंट मोनोमर से ये आया हुआ है, तो उसको हम कहते हैं ब्लॉक कोपोलीमर, ओके, ये आपके पास आते जी ग्राफ। इसी तरह आपके पास और भी डिफरेंट सीक्वेंस बन सकते हैं, मसलन फॉर एग्जांपल यू कैन हैव ए बी ए सीक्वेंस, मीन कि ए बी ए, तो इस कंडीशन में आपके पास ये क्या बनता है, ट्राई ब्लॉक, ओके। आपके पास ये भी चांसेस हैं कि ए बी सी बन जाए, कि ए बी सी ये थ्री डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट्स आपके पास आ जाते हैं, तो इनको हम कहते हैं टेर पॉलीमर। तो इस तरह आपके पास सीक्वेंस चेंज होने से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, और जब आपके पास वो स्ट्रक्चर डिफरेंट आ जाते हैं तो ये कभी इम्कान है कि फिर आपके पास उसकी डिफरेंट थर्मल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट हो जाती है। मार्केट में जो कमर्शियली अवेलेबल आपके पास ये कोपोलीमर्स या ग्राफ की फॉर्म में या ब्लॉक की फॉर्म में मिलते हैं, उनमें से एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, वो है एस बी एस, ओके। एस को क्या कहते हैं, स्टाइरीन, ये पॉली स्टाइरीन, बी जो है ये ब्यूटाडाइन है, और एस भी क्या है, स्टाइरीन। तो स्टाइरीन का जो
पॉलीमेरिक फॉर्म में आप लिखते हैं, वो कैसे लिखते हैं, सी एच टू सी एच यूस्टाइल। इसी के साथ आपने ब्यूटाडाइन को मिला लेना है। फिर आपने स्टाइरीन को मिला लेना है। अगर ये आप देखें तो ये आपके पास ए बी ए ट्राइक्लोरो पॉलीमर बनता है, ठीक है। इसके आप सबस्क्रिप्ट में ये इंडेक्स में एन लिख लें, इसमें एम लिख लें, इसमें एक्स लिख लें, ये आपके बन गया मेन। तो इसके रिपीटिंग नोट कुछ और होंगे, यहाँ पे कुछ और होंगे, यहाँ पे कुछ और होंगे। अब सीक्वेंस यही रहेगा। अब हो सकता है इसका एक अलग से ब्लॉक बनेगा, इसका एक सेपरेट ब्लॉक बनेगा और इसका एक सेपरेट ब्लॉक बनेगा, ठीक है। तो ये एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है एस बी एस मीन के पोली स्टाइरीन पोली ब्यूटाडाइन पोली स्टाइरीन के। ओवरऑल ये पॉलीमर है, मतलब कि ट्राई ब्लॉक पॉलीमर बनता है। एक और एग्जाम्पल है दैट इज ए बी एस रेजिन, मीन ये है एक्रिलोनाइट्राइड बी ब्यूटाडाइन एस यू हैव स्टाइरीन इन द सिमिलर वे एज यू गिव प्रीवियस एग्जांपल। हियर यू हैव एक्रिलोनाइट्राइड सी एच टू सी एच सी एच। नाउ दिस इज अ वन ब्लॉक एंड अ ब्लॉक दैट इज कंपोज्ड ऑफ ब्यूटाडाइन। Then you have the other block that is composed of styrene, okay? X, Y and Z. ये इसके इंडेक्स हैं, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इस पर बात करते हैं। तो ये भी आपके पास है ए बी एस मीन ए थ्री डिफरेंट मोनोमर से लेके आपने ये पॉलीमर बनाया, तो इसका भी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अब अगर ये टू रख देते हैं आप टू मोनोमर्स लेके बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा। तो इस तरह सीक्वेंस ऑफ रिपीटिंग यूनिट की बेसिस पे आपका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर वेरी कर जाता है। जब हम सिंथेसिस करते हैं तो वी हैव डिफरेंट चांसेस कि आपके पास डिफरेंट टाइप के आर्किटेक्चर बन जाए। किसका पॉलीमर्स जो बनता है उसका आर्किटेक्चर डिफरेंट बन जाता है। और समटाइम हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वी वांट सच टाइप ऑफ आर्किटेक्चर अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू आवर एप्लीकेशन, ओके। हमें लीनियर चेन पॉलीमर भी मिलते हैं अगर आप बनाना चाहें। हम वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन चेंज करके या मोनोमर्स की रिएक्टिविटी को देखते हुए डिफरेंट स्टाइल्स में डिफरेंट आर्किटेक्चर के पॉलीमर्स बना सकते हैं। मसलन suppose we have linear, we have the chances to get branch one, ये linear है, ये branch है आपके पास। we have the chances to get cross link polymer, okay, ये भी linear है, still it is linear, cross link भी हो सकता है कि you have one part of here, another like this, ठीक है। So you have the chances to get cross-linked polymer, okay? This is branch one, this is linear, okay? Okay, we have the chances to form star polymer like this, okay? We have the chances to get cone polymer. So we can develop different type of architecture of the polymer, but it depends upon the experimental conditions and the reactivity of the monomers. Okay. One more important part is we have the chances to get
डेंड्रिमस, ओके डेंड्रिमस, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज बीइंग यूज्ड नाउडेज इन द फील्ड ऑफ पॉलीमर केमिस्ट्री, दैट मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस आर अंडरवे टू सिंथेसाइज डेंड्रिमस. ओके, इन केस ऑफ डेंड्रिमस यू हैव दिस पार्ट, this is a repeating unit, this one, this one, this one, and it will further branch out like this. Wait again. Here they have tetrocytes. This sort of polymer, the architecture and polymer is called dendrimer. Okay. So you have seen that different polymeric structure can be formed by varying experimental conditions and by varying the types of monomers, composition of monomers, you can get different type of polymeric structures which ultimately have different properties. The fourth one is the tacticity. Tacticity, the concept of tacticity is mainly related to stereochemistry. Whenever we have the word stereochemistry, it means you have to deal with special arrangement. Special arrangement means three-dimensional arrangement of what? Arrangement of substituents, in a long chain, along a long chain. Okay. तो जो substituents लगे होते हैं आपका polymeric chain के साथ, उनकी जो special arrangement है उसकी बेस पे भी हम स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है. तो दो तरह के होते हैं पॉलीमर्स, या तो वो टैक्टिक होते हैं या ए टैक्टिक. टैक्टिक कौन से होते हैं और ए टैक्टिक, इस पर बात करते हैं. पहले थ्री डिमेंशनल स्पेशल अरेंजमेंट क्या होता है, वो ये है कि सपोज कि आप सी एच फोर लिखते हैं, ठीक है, इसको आप यूं भी लिखते हैं, ठीक है. अब इसको जब यूं लिखा जाता है तो एक तो ये चीज आ जाती है प्लेन में, फिर कुछ को आप यूं लिखते हैं और कुछ को आप यूं लिखते हैं. ये तो आपका प्लेन में पार्ट आता है, इसको हम ये कहते हैं कि ये यूजली आप व्यूअर से अवे होता है, और ये पार्ट जो है ये टू वर्ड्स द व्यूअर होता है. तो इस ये होती है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री. इसी चीज को फॉलो करते हुए हम स्ट्रक्चर बनाते हैं. यहां पे हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो है पीपी. पीपी स्टैंड फॉर पॉली प्रोपाइलीन. पॉली प्रोपाइलीन, ओके. इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरह से है. सिंपली अगर लिखे तो वो इस तरह होगा सी एच टू सी एच सी एच थ्री सी एच टू सी एच सी एच थ्री सी एच टू सी एच सी एच थ्री एंड सो ऑन. ओके, तो ये आपके पास है, ये क्या है, जी रिपीटिंग यूनिट है. ओके, इसको आप यू भी लिखते हैं अब यहाँ पे ये सी एच टू है. ओके, अगर ये सी एच टू है और ये सी एच है तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं. ओके, सी एच कार्बन आ गया, दिस इज योर कार्बन, एक बॉन्ड इसका ये सी एच टू के साथ. अगर ये हाइड्रोजन है और अगर इसको सी एच थ्री लिख लेता हूँ, तो ये इसकी स्टीरियोकेमिकली स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिहाज से आप इसको देखिए. अब अगर ये अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है,
और यहाँ पे आपके पास ये थ्री है। मीन कि आपने देखा कि सी एच थ्री पूरे स्ट्रक्चर में अवे फ्रॉम द व्यूअर है और एक जो है टू वर्ड्स द व्यूअर है, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं आइसो टैक्टिक। ओके, और अगर आपके पास कुछ इस तरह से हो कि यहाँ पे सी थ्री हो, यहाँ पे एच हो, फिर यहाँ पे एच आ जाए, हियर यू आर सी एच थ्री एच एच सी एच थ्री, तो क्या हुआ यहाँ पे अल्टरनेट पोजिशन का। अगर यहाँ पे सी थ्री अवे फ्रॉम द व्यूअर है तो यहाँ टू वर्ड्स का व्यूअर, हियर अगेन इट इज हियर हाइड्रोजन इज अवे फ्रॉम द व्यूअर and methyl group is towards the view. Here methyl is away from the viewer and AH is towards the view. It means here you have CH3 or AH in alternate position. So such type of special arrangement in polymers is called stereotactic. Okay? This type of arrangement, special arrangement of substituents along the polymeric chain is called isotactic polymers, and these type of arrangement is called stereotactic polymers. Okay, if there is no anisotropy, mean in no alternate position and there is no any similar type of positions, then you have another term that is called atactic polymers. Okay, here we have atactic. In case of atactic polymers, suppose this is the structure. In case of atactic polymers, sometimes here you have H CH3, again you can get, there are the chances you can get H CH3, then you will get CH3 H, mean there is no way to come up with isotactic or stereotactic. The third way to arrange these substituents are the special arrangement apart from these two types is called atactic polymers. And literature reveal that isotactic and stereotactic polymers, they show some sort of crystallinity, whereas atactic polymers are usually amorphous polymers. Okay, and between these two, isotactic polymers show greater crystallinity as compared to stereotactic. From commercial point of view, polypropylene, the commercial grade polypropylene is actually an isotactic polymer. Okay, but you can get atactic or stereotactic polymers by varying, by changing experimental conditions. Okay, similarly, the polystyrene, the commercial polystyrene is imperfect tactic material. Imperfect tactic material may initially it is a atactic polymer, whereas when the chain grows after some time we have some stereotactic type of arrangement, so that we call imperfect tactic polymer polystyrene. Okay, so here you have very good example that by changing the special arrangement of substituents along the long chain of carbon, there are the chances to get different polymeric structure. But if they have different polymeric structure, then ultimately
they will show different properties. Okay. Another concept which has a much greater influence in developing a polymeric structure is geometric isomerization. If there is an unsaturation in the repeating unit, then there are the chances to get its geometric isomers. You know, geometric isomers are of two types, either they can be cis or trans. Both have different structures. If they have different structure, then definitely they will come up with different physical and chemical properties. Okay, for this particular case, we have a very good example of 1,3-butadiene. We have this This is 1,3-butadiene. This type of monomer has three ways to come up with three different polymers. Okay? There are the chances to get CH2, CH. From these sides, it will polymerize and give you this sort of polymer. Okay, from these sides, it will polymerize. This is the one way to get polymerization of this type of monomer, because it has two double bonds, so there is an unsaturation in this compound. So here you have the chances to get its two different geometric isomers, either cis or trans. Okay. Similarly, another way to get polymerized is CH2C double bond CH2. Here you have H. In this case, cis polymerization. Okay. We also have the chances to get polymerization from these two points or these two points. This is the trans form and this is the cis form. Whereas in this case, you have this part in the substitution, but polymerization is going on from these two points, 1 and 2. Okay, but here polymerization is from 1 and 4 point, 1 carbon and 4 carbon. Same is the here, but here you have trans polymerization and here you have cis polymerization. So whenever there is an unsaturation in the repeating unit or in the monomer, there are the chances we have their geometric isomers, because geometric isomers has different shapes. Geometric isomers have different shape, so their structure is going to be different. And I said earlier, if you have different structures, then there are the chances to get very different properties, all physical and chemical properties. Okay. So from here you have studied lot of things and has major contribution in developing the polymeric structure. In nutshell, you have four things to consider while developing a polymeric structure. One of them is you have to think about the composition of the polymer. Composition must be according to your wish. If you want to prepare a linear chain polymer, you must have to think about such type of monomers that has the ability to remain in the long chain and to keep it in linear way. Okay. And the other part is the sequence of the repeating units. You must have to think about the repeating units of the polymers, and it mainly depends upon the relative reactivity of the monomers.
You have to select monomers according to the type, according to the reactivity, and we will have to set the experimental conditions as well. The third part is the toxicity, that is mainly related to the stereochemistry, special arrangement of substituents. Special arrangement of substituents has very influential effect upon the structure of the polymer. And other part is the geometric isomerization. If you have unsaturation in the repeating units, then there are the chances to get this geometric isomers, because geometric isomers has different structures. Each geometric isomer has different structures, so its properties will be different. So all these things mainly related to the polymeric structure, because if you are in the laboratory and you are going to synthesize a specific polymer and you want such type, or you want some specific properties, while taking into account that properties in your mind, you will have to select some monomers from the laboratory, and then you will go for polymerization to come up with exact that polymer that you want to polymerize. Now we have nomenclature of polymers. How to actually you are going to name some polymers? There are few rules that you have to consider while naming polymers. There are not much enough, only two or three rules which will be able you to name any type of polymer. If we have a polymer with single word, suppose styrene, you have styrene, ethylene, okay, like these things, then no need to write anything. In case of polymer, you have to write just word polymer, poly in its prefixes. तो आपने क्या करना है, अगर तो सिंगल वर्ड है तो उसके साथ आपने poly लगा देना है, तो वो नेम बन जाएगा polymer, like this, polyethylene. Suppose propylene है, propylene, तो यहाँ पे आपने poly लगा दिया. मेन के लिए आपको पता है कि styrene का monomer ये है, ये स्टाइरिन का मॉनोमर, इसके नाम क्या है, स्टाइरिन. जब आप इसको पॉलीमराइज करते हैं, ये क्या बन जाता है, CH2CH दिस पार्ट. अगर इसके एन मॉनोमर यूनिट्स हैं तो ये एन आ गया. तो अब ये पॉलीमर है, तो आपने अगर सिंगल वर्ड का उसका नेम है, कॉमन नेम सिंगल वर्ड है, वो आपने यहाँ पे पॉली. अगर आप इसका आयोगिक नियम लिखते हैं तो फिर भी आपने पॉलीमर. हाँ, आप अगर कुछ ऐसे पॉलीमर्स हैं जिनमें टू वर्ड्स आ जाते हैं आपके पास, ये ध्यान रखना आपने. वेन एवर यू हैव अ मोनोमर विच हैज टू वर्ड्स एंड यू वांट टू पॉलीमराइज इट एंड यू वांट टू राइट इट्स पॉलीमेरिक नेम, तो फिर आपने क्या करना है, तो वो जो टू वर्ड्स हैं उनको आपने राउंड ब्रैकेट्स में, पैरेंथेसिस में लेके आना है. मसलन सपोज विनाइल क्लोराइड है, विनाइल क्लोराइड. अब ये टू वर्ड्स हैं, तो इनको आप यहाँ पे पॉली नहीं लिखना, ये मिस्टेक हो जाएगी. तो आपने कैसे लिखना है, आपने ये लिखना है विनाइल क्लोराइड है, इसको ब्रैकेट में लिखे और यहाँ पे पॉली लिखे, तो यू बन जाएंगे पॉली विनाइल क्लोराइड. सिमिलरली पॉली विनाइल अल्कोहल पॉली विनाइल एसिटेट. ओके पॉली विनाइल एसिटेट आप यू लिख सकते हैं. हाँ, अगर किसी का कोई आयोपिक नेम लिखा हुआ है तो उसको भी आपने पैरेंथेसिस में लिखना है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ गया, जिस तरह हमने ये लिखा है 1,3-butadiene. अगर इसका पॉलीमर बन रहा है तो उसको भी आपने ऐसे ही लिखना है, ठीक है, पॉली 1,3-butadiene. सिमिलरली अगर वो आप पॉलीस्टाइरीन लिखते हैं और वो आइसोटैक्टिक है, तो उसके लिए
आपने क्या लिखना है, आई इटैलिक में डैश पोली, तो ये आई स्टैंड फॉर आइसोपेक्टिक पॉलीस्टाइरीन। अगर आप सिंथोपेक्टिक लिखते हैं तो एस इटैलिक में लिखना है आपने पोली स्टाइरीन, ठीक है। सिमिलरली अगर वो सिस है, सिस फॉर्म में है, तो आपने सिस इटैलिक में लिखना है और आगे पोली स्टाइलिंग, अगर कुछ ऐसा है तो, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने ये एक स्ट्रक्चर लिखा था CH2 सी डबल बॉन्ड सी सी एच टू एच एच, ये हमने एक स्ट्रक्चर लिखा था, ओके। तो इसको अगर आपको लिखना हो तो ये बेसिकली बना कहाँ से है, ये आया है 1,3 ब्यूटाडाइन से, ठीक है। मगर पोलिमराइजेशन कहाँ पे हो रही है, 1 और 4 पॉइंट, ठीक है। और ये है कौन सी फॉर्म, सिस, तो इसको कैसे लिखेंगे, सिस डैश 1 4 मीन कि यहां से उसका हो रहा है डैश पोली 1 3 न्यूटन डाइन, ठीक है। इसको आप यू लिख सकते हैं, मीन के सिस फॉर्म है, 1 और 4 पोजीशन से ये पॉलीमराइज हो रहा है और 1 3 ब्यूटाडाइन है। अगर इसको आप ये वाली कंडीशन है, अगर आपके पास तो फिर भी क्या है, जस्ट यहां पे क्या रहेगा, ट्रांस 1 4 पोली 1 3 ब्यूटर डाइन, ओके। तो ये इस तरह आपने कुछ ऑर्गेनिक अगर है तो उसको इस तरह, कुछ हमारे पास कॉमन नेम्स होते हैं, ठीक है। तो वो कॉमन नेम ही रहते हैं, मसलन टेफ्लोन है, ठीक है, उसको हम टेफ्लोन के नेम से जानते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, ये है आपके पास टेट्राफ्लोरो, ये इसको हम टेफ्लोन कहते हैं, ठीक है। ये बड़ा हीट रेजिस्टेंट मटेरियल है, ठीक है। कुछ कॉमन नेम्स होते हैं, कुछ ट्रेड नेम्स होते हैं, वो आपको ऐसे ऐसे पता लग जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, यू विल कम अप, यू विल गेट द कॉन्सेप्ट हाउ टू राइट दीज थिंग्स। वी विल प्रैक्टिस ड्यूरिंग सिंथेसिस, वेल व्हेन वी विल स्टडी सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर्स वी विल आल्सो प्रैक्टिस हाउ टू राइट देयर पॉलीमेरिक नेम्स, ओके। अच्छा, इसी तरह हमारे पास कुछ और नेम्स हैं जिनको हम किसी फॉर्म में लिखते हैं, कॉमन नेम लिखे जाते हैं, कमर्शियल नेम लिखे जाते हैं। सपोज आपके पास पोली विनाइल क्लोराइड है, ओके। इसको क्या लिखा जाता है, PVC लिखा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी तरह अगर पोली इथाइलीन है, ठीक है, पोली इथाइलीन, उसको आप PE लिखते हैं। PS है वो क्या है, पोली स्टाइलीन है, ठीक है। इसी तरह PVA इसको क्या लिखते हैं, पोली विनाइल अल्कोहल, अल्कोहल है। इसी तरह PVA और सबस्क्रिप्ट में सी लिखा जाता है, ये क्या है, पोली विनाइल एसिटेट, ओके, ये PVA। अब एक और है आपके पास, उसका नाम वो लिखते हैं पोली मिथाइल मेथ एथ्रोलेट, इसको क्या लिखा जाता है, PMMA, ठीक है। तो ये कुछ होते हैं जिनका आपको कॉमन नेम्स या जो कमर्शियल नेम होते हैं, जब मार्केट में जब आप जाते हैं तो आप उनका ये नेम बताते हैं तो वो आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये भी इनके नेम जो है ये रिकमेंडेड है। फिर इनके कुछ स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, मसलन अगर रैंडम अरेंजमेंट है पॉलीस्टाइरीन की, रिपीटिंग मसलन आपके पास टू डिफरेंट आ गए, एक स्टाइरीन आ गया, एक ब्यूटाडाइन आ गया, और वो रैंडमली जो है वो रिपीटिंग यूनिट अरेंज है,
तो फिर उनको कैसे लिखते हैं, पॉली स्टाइरीन, यहाँ पे आर एन लिख दिया जाता है और इधर ब्यूटाडाइन। ये भी आपको वो प्रैक्टिस करेंगे मिल जाएंगे। इसी तरह अगर ग्राफ्ट है तो जी लिखा होगा, अगर को ब्लॉक को पॉलीमर है तो वो उसमें यू लिखा होता है। सपोज सपोज कि आपके पास मैं ये लिख देता हूँ, इस तरह ये है एस बी एस, मैंने लिखा स्टायरीन ब्यूटाडाइन स्टायरीन होकर ब्लॉक है, ये क्या लिखा जाता है, पॉली स्टाइरीन ब्लॉक पॉली ब्यूटाडाइन ब्लॉक पॉली स्टाइरीन, इस तरह से लिखता हूँ। कुछ जगहों पे यू भी लिखा होता है, पॉली स्क्वायर ब्रैकेट्स स्टाइरीन ब्लॉक ब्यूटाडाइन ब्लॉक स्टाइरीन, इस तरह भी लिखा होता है। ठीक है, अगर ग्राफ्ट है तो जी लिखा होगा। ठीक है, फिर कहीं पर भी आपको यू भी मिलेगा, पॉली स्टाइरीन एस ए टी ब्यूटाडाइन, ऐसे का क्या मतलब है, स्टैटिस्टिकली अरेंज्ड में स्टाइरीन होगा और ब्यूटाडाइन होगा, इनको स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स के बेस पे अरेंज किया गया होगा, तो वहाँ पे एस ए टी लिखा। तो ये कुछ नोटेशन है। ठीक है, तो सिंपली जो आपको याद रखना है वो दो टू पॉइंट्स हैं। वन इज व्हेन यू हैव सिंगल वर्ड यू हैव टू जस्ट राइट पॉली इन द प्रीफिक्स, ओके, लाइक पॉलीस्टाइरीन पॉलीइथाइलीन पॉलीब्यूटाडाइन पॉलीप्रोपाइलीन। व्हेनेवर यू हैव टू डिफरेंट वर्ड्स, अ मोनोमर विद टू डिफरेंट वर्ड्स, अ रिपीटिंग वर्ड हैव टू डिफरेंट वर्ड्स, देन यू नीड टू राइट दैट टू वर्ड्स इन पैरेंथेसिस एंड बिफोर पैरेंथेसिस यू हैव टू राइट पॉली, ओके, एंड इफ इट इज सिस यू हैव टू राइट सिस डैश द नेम ऑफ द पॉली, if it is trans you have to write trans dash and the polymeric name, if it is isopectic you have to write I in italic, small letter in italic and a dash, and then you will have to write the name of polymer. If it is sinew you have to write S. Okay. Thank you.